वेलकम टू माई चैनल, वेलकम बैक। सो आज पापा का बर्थडे है तो आज हम आए हैं थैमिस बारबेक्यू में, NSP में। मैं काफ़ी सारे बारबेक्यू में गई हूँ, CP, बट मुझे यहाँ का NSP का ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे रूफ पे भी काफ़ी स्पेस है सिटिंग का, और मुझे डेकोर बहुत अच्छा लगा, एम्बियंस बहुत अच्छा है। अब हम आपको ऊपर जाके दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से कि हमें वेज में क्या क्या खाने को मिलेगा। सो कम विद मी। फाइनली हम पहुंच गए हैं थैमिस में। मैं आपसे एंड में ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ। गाइज, लुक एट द एम्बियंस, वाओ, इट्स अमेजिंग। मुझे NSP का जो बारबेक्यू का एम्बियंस है सच में बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ का रूफ़ टॉप भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रूफ़ टॉप भी बहुत सुंदर है, काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ का जो लाइट म्यूज़िक चलता है वो भी बहुत अमेजिंग लगता है, एक अच्छी वाइब देता है डिनर के टाइम पे। और यहाँ पर आपको वीकेंड पे, जो वीकेंड पे डेज़ होते हैं सैटरडे संडे, वहाँ पर आपको लाइव म्यूज़िक भी अवेलेबल है सुनने के लिए। सो आप अपने बर्थडे ओकेजन्स या कोई भी ओकेजन है तो आप अपनी विद फैमिली या विद अपने लव्ड वंस के साथ यहाँ आ सकते हैं। सी गाइस, दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ बारबेक्यू, थैमिस बारबेक्यू। सी कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितना, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये थैमिस का रूफ टॉप। हमें तो सिटिंग भी अवेलेबल नहीं हुई थी जब हम यहाँ पर विज़िट किया था, हम काफ़ी एक्चुअल में लेट भी हो गए थे। तो इट्स माय एडवाइस, अगर आप जाते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जल्दी जाइएगा सो दैट आप अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करें, वीडियोस भी अपनी बनाएं। तो आप थोड़ा सा एटलीस्ट 8 अप्रॉक्स आप पहुँच जाइएगा सो दैट आप अच्छे से अपना इंजॉय करें। अगर आप बुफे का सोचते हो तो आपके हमेशा दिमाग में, आई एम वेरी श्योर, हमेशा आपको बारबेक्यू ही याद आता होगा। यहाँ पर जितना भी आपको वेज स्टार्टर्स या नॉन वेज वगैरह मिलता है, मेन कोर्स या डेजर्ट वगैरह, ये अनलिमिटेड है, आप कितना भी लेकर आप यहाँ से खा सकते हैं। अभी हमें मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का एंड मलाई चाप सर्व की गई है। दिस इज़ बीट रूट कबाब। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, सो मुझे थैमिस बारबेक्यू के स्टार्टर्स काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। गाइस, दिस इज़ सालसा पोटैटो, ये भी काफ़ी टेस्टी था। दिस इज़ माय ब्यूटीफुल फैमिली। सो आज हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। सो ये है बर्थडे बॉय। एक ब्यूटीफुल प्लेस वही होता है, ब्यूटीफुल ऑसम एम्बियंस प्लस डिलीशियस फूड प्लस विद फैमिली। अगर आपकी फैमिली साथ हो तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और इन्जॉयमेंट लेवल डबल हो जाता है। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हम आए हैं पापा के बर्थडे के लिए, बट स्टिल अभी केक कटिंग नहीं हुआ है। हम डायरेक्ट जंप हमने स्टार्टर्स पे कर दिए, सारे कितने बिजी हैं अपने खाने में। गाइस, NSP में दो बारबेक्यू हैं, वन इज़ थैमिस बारबेक्यू नेशन एंड द अनदर वन इज़ बारबेक्यू नेशन। सो हम थैमिस बारबेक्यू नेशन में गए थे और दोनों के प्राइजेस में भी डिफरेंस है। सो फाइनली सबको याद आ गया है कि हम बर्थडे बॉय के साथ आए हैं, केक कटिंग करना है हमें। सो सारे अपने फूड को छोड़ के केक कटिंग में बिजी हैं, सेलिब्रेशन में बिजी हैं। गाइस, अगर आप इनको बताते हैं कि आप किस ओकेजन के लिए आए हैं तो यहाँ बारबेक्यू वाले आपको स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री केक भी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक केक हम लेकर आए थे, एक केक हमें थैमिस वालों ने दिया था। गाइज़, यहाँ पर ना लाइव काउंटर्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम काफ़ी लेट हो गए थे तो हमें लाइव काउंटर्स हम इंजॉय नहीं कर पाए, इसलिए दैट्स वाई आई एम एडवाइजिंग यू कि आप प्लीज़ टाइम से जाइएगा सो दैट आप प्रॉपर वहाँ इंजॉय कर पाएँ और सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर पाएँ।
गाइस देखिए, ये हमारी फैमिली का सबसे नॉटी बच्चा है। ये यहाँ पर भी डिनर छोड़ के, बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ के, ये अपने ड्रोन में बिजी है। अब मैं आपको ना थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हमें क्या क्या वेज में अवेलेबल था। नॉन वेज तो हम पूरी फैमिली में कोई भी नहीं था, तो सबने ही वेज ट्राई किया था। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होगा। सो स्टार्टर में आपको अवेलेबल होगा जैसे पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, मलाई चाप, ग्रिल्ड पाइन एप्पल, स्प्रिंग रोल, बीट रूट कबाब, सालसा पोटैटो, क्रिस्पी कॉर्न, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया के लिए आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। आपको यहाँ 4 to 5 सब्जियाँ मिल जाती हैं, मंचूरियन, राइस, नूडल्स, बहुत टाइप्स की सैलड्स भी अवेलेबल थी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बर्थडे का, दैट इज़ गिफ्ट। अगर गिफ्ट ना हो बर्थडे में तो बर्थडे बिल्कुल अधूरा है। सो इट्स टाइम फॉर आर गिफ्ट है मेन पार्ट की। सो हमने पापा को गोल्ड का कड़ा गिफ्ट किया था, वो काफ़ी। अब हम थोड़ा चार्जेस की बात कर लेते हैं कि किसके एडल्ट्स के यहाँ पर चार्जेस हैं। 950 अप्रॉक्स पर पर्सन, और किड्स के चार्जेस हैं जो अबव 11 हैं उनके हैं 950 अप्रॉक्स, और बिटवीन 7 to 11 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनके 450 अप्रॉक्स के चार्जेस हैं। अगर आपको 10% या 15% डिस्काउंट चाहिए तो आप प्लीज़ डाइन आउट से पहले बुकिंग करवा के जाइएगा, आपको 10% डिस्काउंट या 15% डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। वैसे तो आपको यहाँ पे थेमिस वाले भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल होता है यहाँ, बट आप रिस्क ना लेके आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं सो दैट आपके पास डिस्काउंट कूपन हो। गाइज, मैं आपको मेन इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल गई। जैसे अगर आप डाइन आउट पे बुकिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको मेंशन होगा 1500 फॉर टू। सो हमने भी यही देख के गए थे, बट हमें वहाँ जाके मेन चार्जेस पता हुए चले थे कि यहाँ पर 950 पर पर्सन है एडल्ट्स के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।